लेट अस नाउ डिस्कस कॉग्निटिव थेरेपी. कॉग्निटिव थेरेपी लोकेट द कॉज ऑफ साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस इन इरेशनल थॉट्स एंड बिलीव्स. सो यहाँ पे बिहेवियर की जगह आप इरेशनल थॉट्स या बिलीव्स पे फोकस करते हो. एल्बर्ट एलिस ने एक टाइप की कॉग्निटिव थेरेपी फॉर्मुलेट करी थी जिसका नाम है रैशनल इमोटिव थेरेपी. द फर्स्ट स्टेप इन आरईटी इज़ द एंटीसिडेंट बिलीफ कॉन्सिक्वेंस एनालिसिस, ऑल्सो नोन एज ABC एनालिसिस. बी इज़ द बिलीफ इटसेल्फ. ए इज़ द एंटीसिडेंट और समथिंग दैट इज़ हैपनिंग जस्ट बिफोर द बिलीफ, एंड कॉन्सिक्वेंस इज वॉट इज़ हैपनिंग आफ्टर द बिलीफ. सो फॉर एग्जाम्पल, योर कोवर्कर जैन इग्नोर्स योर रिक्वेस्ट फॉर हेल्प विथ स्नैक सेटअप. इसकी वजह से बिलीफ क्या बना, आई नेवर गेट एनी रिस्पेक्ट अराउंड हेयर. बिकॉज ऑफ दिस बिलीफ द कॉन्सिक्वेंस इज दैट यू स्टार्ट फीलिंग एंग्री एंड योर बॉडी फील्स हॉट एंड टेंस. Irrational beliefs are assessed through questionnaires and interviews and refuted with non-directive questioning without probing or directing, which makes the client question his or her beliefs. So questionnaire या interviews की help से irrational beliefs को assess किया जाता है. देन उन इरेशनल बिलीव्स, एक बार पता चल जाता है कि क्या बिलीफ है, तो नॉन डायरेक्टिव क्वेश्चनिंग की हेल्प से उन बिलीव्स को रिफ्यूट किया जाता है. नॉन डायरेक्टिव क्वेश्चनिंग का मतलब है कि आप प्रोब नहीं करोगे और कोई डायरेक्शन नहीं दोगे क्लाइंट को. आप ऐसे नहीं बोलोगे कि क्या आपको लगता है कि इसकी वजह से वो आपसे आपको बुरा समझती है. नो, आपको क्या लगता है वो आपके बारे में क्या समझती है, ये सही क्वेश्चन होगा. अगर आपने पहले ही बोल दिया कि वो आपके बारे में ये समझती होगी क्या, तो आपने एक डायरेक्शन दे दिया. नो, यू डोंट हैव टू गिव द डायरेक्शन और यू डोंट हैव टू प्रूव. इट इज़ नॉन डायरेक्टिव क्वेश्चनिंग वेयर यू डू नॉट गिव एनी डायरेक्शन टू द क्लाइंट. एरन बेक फॉर्मुलेटेड अनदर कॉग्निटिव थेरेपी वेयर साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय एंग्जाइटी और डिप्रेशन and states that childhood experiences provided by the family and society develop core schemas or systems which include beliefs and action patterns in the individual. So negative views about world होते हैं, negative views about future होते हैं, negative views about oneself होते हैं, अपने बारे में, दुनिया के बारे में और future के बारे में. For example, I am worthless and inadequate. Then everyone is against me because I am worthless. Negative views about future is I'll never be good at anything. All right. The therapist uses questioning which is gentle, non-threatening disputation of the client's beliefs and thoughts. आप क्लाइंट के थॉट्स या बिलीव्स को डिस्प्यूट करते हो बट बहुत जेंटली करते हो. ऐसा डिबेट की तरह नहीं होता है बट डिस्प्यूट करते हो. The questions make the client think in a direction opposite to that of the negative automatic thoughts, whereby he or she gains insight about their dysfunctional schemas. The aim is to achieve cognitive restructuring, which in turn reduces anxiety and depression. Now, both behavior and cognitive therapies, unlike psychoanalysis, are open, and hence the therapist shares their method of treatment. साइकोअनालिसिस में थेरेपिस्ट बताता नहीं है कि हम आपका ऐसा ऐसा एनालिसिस करेंगे. नो, दे डोंट शेयर देयर मेथड. बट कॉग्निटिव एंड बिहेवियर थेरेपीज आर ओपन. एंड स्टार्टिंग में जब आप डिसाइड करते हो कि आप ये टेक्निक यूज़ कर रहे हो, तो आप क्लाइंट के साथ शेयर करते हो कि दिस इज़ हाउ द थेरेपी विल गो. सो बिहेवियर थेरेपी एंड कॉग्निटिव थेरेपीज आर शॉर्ट एंड दे लास्ट बिटवीन 10 to 20 सेशंस. Next, we have cognitive behavior therapy. Cognitive behavior therapy is basically a mixture of cognitive therapy and behavior therapy. दोनों के advantages को साथ में mix करके एक therapy बनाई गई है, that is cognitive behavior therapy. It is a very short and efficacious treatment for a wide range of psychological disorders such as anxiety, depression, panic attacks and borderline personality, etc. It adopts a biopsychosocial approach, that is, it is based on the assumption कि कोई भी client का distress biological, psychological और social
तीनों से आता है, बायोलॉजिकल भी प्रॉब्लम है, थोड़ी सी साइकोलॉजिकल भी, और थोड़ी कहीं ना कहीं सोसाइटी ने भी प्रोवोक करी है. एड्रेसिंग द बायोलॉजिकल आस्पेक्ट्स थ्रू रिलैक्सेशन प्रोसीजर्स, द साइकोलॉजिकल वंस थ्रू बिहेवियर थेरेपी एंड कॉग्निटिव थेरेपी टेक्निक्स, एंड द सोशल वंस विद एनवायरमेंटल मैनिपुलेशंस मेक CBT अ कॉम्प्रिहेंसिव टेक्निक विच इज ईजी टू यूज, एप्लीकेबल टू अ वेराइटी ऑफ डिसऑर्डर्स एंड हैज़ प्रूवन एफिकेसी. सो बायोलॉजिकल आस्पेक्ट्स को रिलैक्सेशन के थ्रू डील किया जाता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को बिहेवियर और कॉग्निटिव थेरेपी की टेक्निक्स की हेल्प से की हेल्प से उनको ठीक किया जाता है, एंड जो भी सोशल प्रॉब्लम्स हैं, सोशल जो भी फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट किया जाता है. इसकी वजह से CBT इज़ अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव टेक्निक. हर तरह से आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है सो दैट यू कैन वर्क ऑन योर इश्यूज. नेक्स्ट वी हैव ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी. As we discussed here, psychological distress arises from feelings of loneliness, alienation, and an inability to find meaning and genuine fulfillment in life. Humans have an innate need for personal growth, self-actualization, and emotional growth. Now, what is self-actualization? It is an inborn force that moves the person to become more complex, balanced, and integrated. That is, achieving the complexity and balance without being fragmented due to personal experiences. यानी कि अपनी लाइफ में अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को रियलाइज करना, बैलेंस हो जाना, एक बैलेंस फील होना, एंड अगर कोई प्रॉब्लम आ भी जाए तो उसकी वजह से आपका बैलेंस ना बिगड़ना, दैट इज़ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. Now healing happens when one is able to remove the obstacles coming in the way of self-actualization. This requires free emotional expression which is usually curbed by family or society. So ये पर्टिकुलर थेरेपी मानती है कि आपकी हीलिंग तभी हो पाएगी जब वो बैरियर्स जो आपको सेल्फ एक्चुअलाइज होने से रोक रहे हैं, वो ऑब्स्टिकल्स जो आपको रोक रहे हैं, आप उनको हटाओ. एंड ये कब हो सकता है, आप उन बैरियर्स को कैसे हटा सकते हो, इमोशनल एक्सप्रेशन से. अब प्रॉब्लम क्या आती है कि यूजुअली हम लोग की लाइफ में फैमिली या सोसाइटी की वजह से हमारा इमोशनल एक्सप्रेशन कर्ब कर दिया जाता है. सो बिकॉज इमोशनल एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं हो नहीं पाया, आप सेल्फ एक्चुअलाइज नहीं कर पा रहे हो. सो थेरेपी का मेन प्रोसीजर क्या हुआ कि आपको एक परमिसिव, नॉन जजमेंटल और एक्सेप्टिंग एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना जहाँ पर क्लाइंट अपने इमोशंस को फ्रीली एक्सप्रेस कर सके एंड एक कॉम्प्लेक्सिटी, बैलेंस और इंटीग्रेशन को अचीव कर सके. हेयर द थेरेपिस्ट हैज़ अ पैसिव रोल बाय बीइंग अ फैसिलिटेटर और गाइड. थेरेपिस्ट सिर्फ आपको एक अच्छा, वार्म, एम्पैथेटिक, परमिसिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है एंड उनका पैसिव रोल होता है, वो आपको गाइड नहीं करते हैं, गाइड क्लाइंट खुद को करता है. हेयर द एम इज़ टू एक्सपैंड द क्लाइंट्स अवेयरनेस. एग्जिस्टेंशियल थेरेपी वॉज गिवन बाई विक्टर फ्रैंकल हु वॉज अ साइकाइट्रिस्ट एंड न्यूरोलॉजिस्ट एंड ही प्रोपाउंडेड लोगोथेरेपी. लोगोथेरेपी कम्स फ्रॉम टू वर्ड्स, लोगोस मीनिंग सोल एंड थेरेपी मीनिंग ट्रीटमेंट, हेंस इट मीन्स द ट्रीटमेंट ऑफ द सोल. सो विक्टर फ्रैंकल ने ये लोगोथेरेपी दी थी. इन्होंने बात करी थी स्पिरिचुअल अनकॉन्शियस के बारे में एंड ही बाय स्पिरिचुअल अनकॉन्शियस ही मेंट दैट इट इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ लव, एस्थेटिक अवेयरनेस एंड वैल्यूज फॉर लाइफ. ही सेड दैट न्यूरोटिक एंग्जाइटीज अराइज व्हेन द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ आर अटैच्ड टू फिजिकल, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल आस्पेक्ट्स ऑफ वंस एग्जिस्टेंस. Spiritual anxieties or neurotic anxieties arising from spiritual unconscious lead to meaninglessness in life and is also known as existential anxiety. यानी कि जब आप अपनी लाइफ में अपने एग्जिस्टेंस के रीजंस को नहीं ढूंढ पाते हो तो आपको मीनिंगलेसनेस ही लगती है अपनी लाइफ में, कि आपकी लाइफ का कोई मतलब नहीं है. इसको existential anxiety भी कहते हैं. The goal of this therapy is to be able to find meaning in life irrespective of current circumstances. यानी कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आपके पास एक पर्पस ऑफ लिविंग हो, ठीक है. थेरेपिस्ट आर हेंस ओपन एंड शेयर देयर वैल्यूज, फीलिंग्स एक्सेट्रा. द फोकस इज ऑन हेयर एंड नाउ,
दैट इज़ प्रेजेंट एंड ट्रांसफरेंस इज डिस्करेज. जिस ट्रांसफरेंस की बात हमने साइको अनालिसिस या साइकोडाइनेमिक थेरेपी में करी थी उसको यहाँ पे डिस्करेज किया जाता है, वो नहीं अलाउड होता. नाउ एग्जिस्टेंशियल थेरेपी में लोगो थेरेपी के बाद एक और थेरेपी आती है विच इज़ क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, ऑल्सो नोन एज CCT. इट वॉज गिवन बाय कार्ल रॉजर्स. इट्स फोकस इज़ ऑन सेल्फ विद फ्रीडम एंड कंट्रोल ओवर वंस लाइफ एज द कोर. सो ये थेरेपी मानती है कि यार सब कुछ हमारे पास से, आप हर थेरेपी में बोल रहे हो कि पास्ट है पास्ट है पास्ट है, सब कुछ हमारे पास से नहीं होता है, हमारा खुद का भी तो कंट्रोल होता है अपनी लाइफ पे. ऐसा थोड़ी ना है कि जो एक्सपीरियंस हो गए हमारी लाइफ के वही सब कुछ डिसाइड करेंगे हमारी लाइफ में. नो, वी हैव अ एक्टिव कंट्रोल, वी हैव अ एक्टिव चार्ज ऑन आर लाइफ, वी हैव फ्रीडम, वी हैव अ फ्री विल. हेंस द थेरेपिस्ट प्रोवाइड अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, एम्पैथी एंड अ नॉन जजमेंटल एटीट्यूड एंड वॉर्म्थ टू द क्लाइंट, सो दैट द क्लाइंट फील्स कंफर्टेबल. They share their feeling without the fear of judgment and they can trust the therapist's positive emotions towards him or her and are not dependent on what the client shares. Here the reflection of client's feeling is done by the therapist. Therapist client ki feelings ko reflect karta hai and this is done by rephrasing the client's statements, leading द क्लाइंट टू फील इंटीग्रेटेड. यानी कि क्लाइंट जो भी बोलता है, थेरेपिस्ट का काम होता है कि वो उसी चीज़ को रीफ्रेस करके बोले सो दैट ये पता चल जाए कि क्लाइंट ने जो बोला था आपने भी वही वो सही समझा है या कहीं ऐसा तो नहीं आपने कुछ अलग मतलब समझ लिया उसका. ठीक है, रीफ्रेजिंग का एक और फ़ायदा ये होता है कि क्लाइंट को इंटीग्रेटेड की फीलिंग मिलती है, दैट येस आई एम बींग इंटीग्रेटेड. द एम ऑफ दिस थेरेपी इज़ टू बिकम your real self with the therapist working as a facilitator. Another therapy in existential therapies is gestalt therapy. This is again to become his or her real self with the therapist working as facilitator. This was given by Frederick Fritz Perls together with his wife Laura Perls. The goal is to increase an individual self-awareness and self-acceptance. The client is made to recognize bodily processes and emotions that are blocked. ऐसे emotions या bodily processes जो block हो गए हैं उनको recognize किया जाता है and उसके बाद client को encourage किया जाता है कि वो अपनी fantasies, अपनी feelings, अपने conflicts को act out करें. Now this therapy has an advantage that it can be done in group settings also. We also have biomedical therapy. See, biomedical therapy particularly means pharmacological treatment, which means prescriptions of drug, electroconvulsive treatment, etc., surgeries, etc. So, psychiatrists jo hote hain, they can prescribe medicine for the treatment of symptoms. Clinical psychologist or a psychologist can never, never, ever prescribe medicine. They are not authorized to prescribe medicine. Similarly, psychiatrists are not trained in therapy, so they cannot give you therapy. Only a clinical psychologist can give you therapy or a counseling psychologist can provide you counseling. Now, because these drugs can have side effects, hence these drugs are given. If these drugs are given, they need to be monitored regularly by the psychiatrist. Electroconvulsive therapy or ECT is also sometimes given. It is another form of biomedical therapy. For this, a mild electric shock is given via electrodes to the brain of the patient to induce convulsions. कन्वल्शंस या फिट्स टाइप की चीज़ को इंड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रोड्स ब्रेन में सेट करे जाते हैं और उससे माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है. नाउ बिकॉज इसकी वजह से आपके न्यूरॉन्स में बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं, इसीलिए इट इज़ नॉट अ रूटीन ट्रीटमेंट. ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो रहा, मतलब हर चीज़ में आप ECT दे सकते हो. नो, इट इज़ वेरी हार्मफुल. सो रूटीन ट्रीटमेंट की तरह नहीं यूज़ किया जाता है. इसको सिर्फ तब यूज़ करते हैं जब आपके सिम्टम्स ड्रग्स से भी ना इम्प्रूव हों, ना मेडिसिन से ठीक हो रहे हैं, ना थेरेपी से ठीक हो रहे हैं, किसी से भी अगर आपके सिम्टम्स नहीं इम्प्रूव हो पा रहे हैं तो एज अ लास्ट रिजॉर्ट ECT दिया जाता है.